नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर हिस्ट्री के मॉक टेस्ट को लेकर के हाजिर हुआ हूं। साथियों, यह हिस्ट्री का मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं कि आज के कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। साथियों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साथियों, सबसे पहले आप सब देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा साथियों, और वह क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करें। तो हम कहते हैं साथियों कि मौर्य काल में बलि एक प्रकार का था। मौर्य काल में बलि एक प्रकार का था। मौर्य काल में जो है बलि एक प्रकार का था। मौर्य काल में बलि को क्या माना जाता था? मौर्य काल में साथियों बलि को क्या माना जाता था, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए हम सब चर्चा करते हैं साथियों कि मौर्य काल में बलि को क्या माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भूमि कर, बी धार्मिक कर, सी वस्तु कर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। तो इसका आंसर जो होगा साथियों, तो इसका आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा साथियों बी हो जाएगा, धार्मिक कर। बलि एक प्रकार का क्या था साथियों? मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। आइए साथियों, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों या दोस्तों? बी क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहते थे? मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहा जाता था? ये समाहर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहा जाता था? मौर्य काल में जो समाहर्ता था किन्हें कहा जाता था? ए आय का संग्रहकर्ता को, बी दुर्ग रक्षक को, सी वन विभागाध्यक्ष को, डी माप तौल अध्यक्ष को। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग, इसका आंसर क्या होगा। मौर्य काल में समाहर्ता किसे कहा जाता था, एक क्वेश्चन है आपका, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर जो होगा होगा साथियों कि मौर्य काल में समाहर्ता जो था वह आय संग्रहकर्ता को कहा जाता था। किसे कहते थे? आय संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, और तीसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों? तीसरा प्रश्न कहता है कि बौद्ध साहित्य में मिनांडर कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में मिनांडर किसे कहा जाता था? ए मिनांडर को, बौद्ध साहित्य में मिनांडर को कहा जाता था, क्या कहा जाता था मिनांडर को? तो ए मिनांडर कहा जाता था, बी मिलिंद कहा जाता था, सी ए और बी दोनों कहा जाता था, मतलब मिनांडर और मिलिंद दोनों कहा जाता था, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। तो इसका आंसर जो है साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों बौद्ध साहित्य में मिनांडर को कहा जाता था। तो बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद कहा जाता था साथियों, क्या बोलते थे? मिलिंद कहा जाता था। आइए हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की, और चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वप्रथम, चौथा प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने का सिक्का किसने प्रचलित किए? चौथा प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए? ए कुजुल कटफिसस, बी कनिष्क, सी बिम कटफिसस, डी हविस्क। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, जो कुषाण वंश के शासक से ही संबंधित है। नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा वीम कटफिसस, क्या हो जाएगा? वीम कटफिसस। और ये भी क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे साथियों? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने ही जारी किए थे। कुषाण वंश में आप लोग जानते हैं 78 ईस्वी में कनिष्क ने क्या प्रारंभ किया था? शक संबत प्रारंभ किया था, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। ए खारवेल से, बी रुद्रदामन से, सी वासुदेव से, डी कनिष्क से। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है।
खारवेल से, बी रुद्रदामन से, सी वासुदेव से, डी कनिष्क से, किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग कि हाथी गुंफा का संबंध था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हाथी गुंफा अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हाथी गुंफा अभिलेख साथियों खारवेल से संबंधित है साथियों। किससे है? खारवेल से संबंधित है। इसी हाथी गुंफा अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन भी मिलता है साथियों। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है खारवेल किस मत या संप्रदाय का अनुयायी था? जो कलिंग जो खारवेल था वह किस मत या संप्रदाय का अनुयायी था? ए बौद्ध, बी शैव, सी हिंदू, डी जैन। खारवेल किस मत या संप्रदाय का अनुयायी था? ए बौद्ध, बी शैव, सी हिंदू, डी जैन। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि खारवेल किस मत या संप्रदाय का अनुयायी था। तो जो खारवेल था वह आपका किस मत या संप्रदाय का अनुयायी था साथियों? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। खारवेल जैन मत या संप्रदाय का अनुयायी था साथियों। ए इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और सातवां प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न कहता है मौर्यों के बाद भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया? मौर्यों के पहले तो आपको पता है कि ईरानियों ने सबसे पहले ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने हमला किया था, लेकिन यह क्वेश्चन कुछ अलग है। मौर्यों के बाद पूछा जा रहा है, मौर्यों के बाद भारत पर सर्वप्रथम किसने हमला किया? ए सिकंदर, बी ईरानी, सी बैक्ट्रियन ग्रीक और डी अरब। किसने हमला किया? सिकंदर ने आक्रमण किया, ईरानी आक्रमण किए, बैक्ट्रियन ग्रीक आक्रमण किए, अरब आक्रमण किए। किसने हमला किया था भारत पर मौर्यों के बाद साथियों? जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। तो मौर्यों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो बैक्ट्रियन ग्रीक था। सी हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा? बैक्ट्रियन ग्रीक। हिंद यूनानी जिसे कहा जाता है, बैक्ट्रियन ग्रीक को हिंद यूनानी भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आठवां प्रश्न। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? पहले के राजा महाराजा लोग उपाधि धारण किया करते थे, महाराजा धीराज के धारण उपाधि किसने किया था, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। क्या आंसर होगा इसका? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप सब लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था साथियों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम जो था, यही महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। यह चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में सबसे ज्यादा विकास हुआ था गुप्त वंश का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कहता है? नवा प्रश्न क्या कहता है साथियों? कमेंट जल्दी जल्दी करेंगे। समुद्रगुप्त के उस दरबारी का नाम बताइए जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। समुद्रगुप्त के उस दरबारी का नाम बताइए जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। ए ऑप्शन कहता है हरिषेण। ए ऑप्शन क्या कहता है? हरिषेण। बी कहता है वाणभट्ट, सी कहता है भारवी और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे। चार ऑप्शन है आपके सामने। समुद्रगुप्त के उस दरबारी का नाम बताएं जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा चाहतियों, चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ए हरिषेण। हरिषेण जो था वह प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है।
बाण भट्ट तो हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश जो था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। आइए बात करते हैं दसवें प्रश्न की, और दसवां प्रश्न क्या कहता है साथियों। दसवां प्रश्न कह रहा है किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में ही नवरत्न नहीं थे, गुप्त शासक के दरबार में भी नवरत्न थे, लेकिन किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे आपको बताना है। ए कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, बी कहता है समुद्रगुप्त, सी कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कहता है कुमारगुप्त। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग, इसका आंसर क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न निवास करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की, और 11वां प्रश्न क्या कहता है, सर्वाधिक सुनने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया। ए सातवाहन वंश के शासकों ने, बी वाकाटक वंश के शासकों ने, सी कुषाण वंश के शासकों ने, और डी गुप्त वंश के शासकों ने। जल्दी से कमेंट करेंगे आपसे, यहाँ कुषाण है, कुषाण वंश के शासकों ने या गुप्त वंश के शासकों ने, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के पूछे जाएगा तो कुषाण वंश के शासक इसका आंसर हो जाएगा साथियों। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, आज का अंतिम प्रश्न है, हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर, बी कन्नौज, सी प्रयाग, डी इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर में थी, कहाँ थी, थानेश्वर थी। इसने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था, बाद में राजधानी इसने कन्नौज को बना लिया था, जहां पर कन्नौज पर हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था साथियों। तो ये आपके 12 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था, कैसा क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप सब लोग इसी तरह से प्यार से बनाए रखें और तैयारी अपनी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ चुका है। यूपी बीएड, बीएचयू बीएड, एलएलबी, बीए, सभी बच्चे तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। तो आज के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहें, और आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में सहयोग जल्दी से जल्दी दें, जिससे कि लाइव क्लास स्टार्ट हो सके साथियों। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्कार, जय हिंद।